Hello and welcome back to another vlog. You guys are watching Road Ventures of, you know, Road Ventures. So I'm here at Lagos. So आपने घर पर तो देख ही लिया था, यहाँ पर मेरा स्टे था, यहाँ हमने स्टे किया हुआ था. और अभी आज का प्लान क्या है कि गाड़ी आ गई है, गाड़ी ऑलमोस्ट है और आपका भाई जो है ना फुली रेडी एकदम ऐसे वाला एक्शन. सो एनी वे दैट इज जस्ट अ जोकिंग. ओके सो प्लान इज दैट वॉट टूडे आई एम गोइंग टू अ पापा फ्रॉम लैगोस टू अ पापा. सो यहाँ पर हमने बहुत मज़ा किया, फिलहाल हम बहुत ज़्यादा घूमे भी और मज़ीद अभी घूमेंगे, अभी एक्सप्लोरेशन हमारी बहुत ज़्यादा बाकी है. लेकिन आज का प्लान क्या है कि टुडे हम जा रहे हैं लैगोस टू अ पापा. तो लैगोस टू अ पापा मे बी कि हम 3 to 4 आवर्स लगे हमें पहुँचने में. संडे हो सकता है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा ना हो, बट लेकिन कोशिश रहेगी कि टाइम से पहुँच जाए. बट देखें क्या होता है. तो ये एक और नई जर्नी है, मैं पापा फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ. लैगोस भी फर्स्ट टाइम आया था और लैगोस का सफ़र मैंने आपको दिखाया था, घर आपको दिखाया, लास्ट नाइट हमने जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने डिनर किया, तो वो डिनर भी मैंने आपको दिखाया. तो ज़िंदगी यू नो व्हाट, मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और बस ये होता है ट्रैवलिंग में बैग टांगे ना, ये बड़ा एक वो होता है, लेकिन यू नो व्हाट ज़रूरी है, बैग टांगना भी ज़रूरी है. तो अब प्लान ये करेंगे कि बस पापा जाते हैं, रास्ते में क्या मिलता है, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, तो हम उस लैगोस पापा की जो वहाँ पर जाके हमें क्या करना है ये अभी तो हम देखेंगे, ये तो हम देखेंगे कि लैगो पापा में क्या मिलता है. बट पापा इज़ अनदर सिटी ऑफ नाइजीरिया. आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग अबाउट पापा इज़ अनदर सिटी ऑफ नाइजीरिया. सो अफ्रीका प्लान तो है, घूमूंगा. तो जो कहते हैं ना लोग कि ऐसा वैसा प्लान में सस्ता वस्ता कुछ नहीं है भाई, बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा. और ग्रीनरी यू नो व्हाट, ग्रीनरी इज़ ऑसम ऑसम. तो बस चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता बातों करने में, हम चलते हैं सफ़र देखते हैं और पापा जाते हैं, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. तो जो भी चीज़ पूछनी हो कमेंट्स करो और सब्सक्राइब लाइक, ये हमारे वीडियो में बोलते हैं सब्सक्राइब लाइक करना. तो बस लैगोस और पापा दिखाते हैं. ओके सो हमारे दोस्त आ गए, अब हम रेडी हो गए हैं. तो या सो तो उन भाई यहीं रुकेंगे, उन भाई हाय कर, ये यहीं रुकेंगे और हम जा रहे हैं फिर उनके साथ. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या प्लान है. अपने होस्ट होस्ट हाँ फैसल भाई को, या फैसल भाई ओके. सो सफ़र स्टार्ट हो गया, ये है हमारे ड्राइवर भाई. सो ये है ड्राइवर जो हमें लेकर जा रहे हैं अभी फ्रॉम लैगोस टू अ पापा. लोकेशन इनको ही पता है सारी चीज़ें, तो यही लेके जाएंगे. और दिस इज़ अ कैब ड्राइवर और बहुत अच्छे दोस्त भी हमारे, तो इस वजह से हमने इन्हीं को हायर किया कि भाई आप यहीं से लेके जाएं और यहीं से यही हमें ड्रॉप करेंगे. तो ये सोसाइटी क्लियर होगी और सोसाइटी में जो है वो प्लान कुछ ऐसे कि अच्छा है, सब चीज़ें मतलब यूनिक है समथिंग. और सोसाइटी गेट दिखाता हूँ आपको, ये सोसाइटी गेट है, सोसाइटी क्लियर करेंगे और सोसाइटी क्लियर करने के बाद रास्ते में जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं वो ज़रूर दिखाएंगे. जो नॉर्मल रास्ता है वो स्किप कर दूंगा, जहाँ कोई अप एंड डाउन आता है वहाँ ज़रूर शो ऑफ करूँगा. तो बस सफ़र स्टार्ट है फ्रॉम लैगोस टू पापा. सो दिस इज़ नाइजीरिया. ये एक ब्रिज बना हुआ भाई यहाँ पर और अब हम जा रहे हैं पापा, जैसे कि मैंने आपको बताया था पापा जाएंगे तो जाना पड़ेगा. ये इसका एक डार्क साइड भी था जो मैंने नहीं दिखाया. तो प्लान ये है कि हर जगह के डार्क साइड्स होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं उस जगह को नहीं कैप्चर नहीं किया. बट ये अभी आप देख रहे हो पापा इचारो एंड इडो ओयंगिबो, मुझसे तो प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा है ये नाम, बट ये जो है ना वो ब्रिज है. और ये आई थिंक नाइजीरिया का सबसे बेस्ट हिस्सा है, इसलिए इतना साफ है. और अभी फ़िलहाल हम ऑन द वे हैं. चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं कि मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं पूरी जो बात है वो उर्दू में ही बात करूँ. उसका रीज़न ये है कि मेरे साथ जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो नाइजीरियन, तो अच्छा नहीं लगता फिर किसी को हर्ट करना. तो फिलहाल ये है कि अभी लैगोस टर्मिनस और अभी हम ये पापा के रोड पर ही हैं, पापा जा रहे हैं. अभी तक रास्ते में
ऐसी चीज़ नज़र आई नहीं, कुछ चीज़ ऐसी नज़र आई थी जिनको हम कैप्चर नहीं कर सके। और सेकंड चीज़ ये थी कि रोड जाम था, तो इसने एक ऐसी जगह से शॉर्टकट मारा था कि भाई सांस रुक गई थी और जो है वो बस मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। बहुत डेंजरस था, चीज़ें बहुत मुश्किल है भाई। और अगर पूछो किसी कोई पूछे कि भाई क्या करना चाहिए, तो अगर बहुत ज़्यादा भाई अगर अच्छी सेटिंग है, अच्छी किसी लोकल से जान पहचान है, या कोई ऐसा ऑप्शन है कि कोई आपके साथ हो आपको लेके जाए, तो ज़रूर आओ। और अगर बिना किसी जान पहचान के, तो मैं बोलूँगा भाई कहीं और चले जाओ, कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा बिना किसी जान पहचान के आने के लिए। और ये जो है ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का है, पोर्ट एरिया इसे कहते हैं, उस तरह का है। रास्ते में सब कुछ वही था जो मैंने आपको लैगोस से लैगी जाते हुए दिखाया था, इसलिए मैंने ज़्यादा उस तरफ की वीडियो बनाई नहीं। अब जब रोड चेंज हुआ है तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं इस जगह की वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ कि ये रोड से अच्छा। ये मैं कह सकता हूँ कि ये समझो कि यहाँ का डिफेंस है, इसलिए इतना साफ है। और इसका जो ओरिजिनल मुँह है वो मैं दिखाऊँगा बहुत जल्द। ये देखें आप, ये शौक टेंशन ही नहीं होगा उनको। और हम हमेशा ही बात करते हैं कि कराची में इसने गाड़ी चला ली, उसने चला ली, लेकिन मैं कहूँगा कि यार ये डबल है, ख़तरनाक ट्रैफिक है। कराची से ज़्यादा ट्रैफिक ख़तरनाक है, और ना सिर्फ ख़तरनाक है, भड्डा फसाद लड़ाई झगड़ा मिनट में सेकंड में इस तरह चेंज हो रही है, हर चीज़ पता नहीं चल रही। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। अगर लोकल है तो आओ, अदरवाइज़ कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी। बाकी मुझे चांस मिला तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगर किसी को चांस मिले तो एक्सप्लोर करो, मगर स्पेशली आने के लिए मैं कभी भी जो है रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ये लगा उसका समझो, ये समझो कि ये नजरे के सबसे डिफेंस एरिया है जो इतना साफ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस वजह से इंडस्ट्रियल तो नहीं कह सकते, मतलब रिहायशी है, बट ये कि सी वगैरह है यहाँ पर। और इट्स फाइन, चल रही है गाड़ी फिलहाल, जाएंगे अभी अपनी लोकेशन पर, होटल वगैरह लेंगे। होटल वगैरह बात तो हो गई है, पहले से सारी चीज़ें करके रखी हुई है, बट ये दिस इज सिटी। अभी हम नीचे जाएंगे, उतरेंगे तो फिर दिखाएंगे आपको क्या सिटी है। और मैं भाई बता रहा हूँ, हम लोग अपनी गाड़ियों को वो करते हैं ये वो सिटी ओंडा फलाना ढिमाका, इनकी गाड़ी के शौक ऐसे हैं भाई, ऐसा ऑफ रोड कराया भाई ने इस सिटी पर, ऐसा ऑफ रोड कराया है कि मैं बता नहीं सकता, ऐसा ऑफ रोड कराया ऑफ रोड मस्त मस्त, मगर कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा तुम लोग यहाँ पर कभी आओ। और मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है पर्सनली, मुझे मज़ा आ रहा है, और होप कि तुम लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा देखने में। मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, मैं जान के जो है ना वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं ला रहा, मगर बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो चीज़ें ना दिखाऊँ जो किसी के लिए भी, किसी भी मुल्क के लिए ऐसा हो गया, ठीक है, दिल दुखे उसका ना, तो बहुत डार्क साइड्स हैं बहुत ज़्यादा। और मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, पर नेगेटिविटी भी टू मच। तो बहरा करते बस चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और क्या आप क्या करते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद, आगे मिलते हैं। फाइनली जो है ये अपापा पोर्ट रोड हम पहुंच गए हैं, अब हम अपापा पोर्ट के करीब है, नियर पोर्ट यू नो व्हाट पोर्ट के करीब है। इस एरिया वी आर गोइंग स्ट्रेट ब्रदर। सो गाइस, ये करीमा होटल आई वी हैव डन, एंड जस्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन दिस होटल वी हैव डन। तो अभी तो ये वाला होटल कर लिया भाई, जो करीमा होटल आपको दिखाया है, ये होटल की सारी जो है ना वो रेजिडेंट है जो भी एक्सपायर्ड, और एग्जैक्टिव रूम्स बुक कराए फिलहाल के लिए। देखते हैं अभी आगे का क्या माहौल है, क्या एनवायरनमेंट है, फिलहाल तो बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं क्या है। टीवी शीवी लगा हुआ है, रूम में जाएंगे, रूम की कंडीशन देखेंगे, फिर बताएंगे आपको कि रूम की कंडीशन क्या है। सो दैट गाय, ये है खूबसूरती लागोस की, इसने भाई ने हमारा सामान सारा रिसीव किया, अभी वो रूम में जाएंगे फिर देखते हैं। सो रूम मिल गया भाई, रूम 210,
सो जस्ट वॉचिंग दिस टू होटल, ये है होटल जहाँ हम जा रहे हैं, और टू होटल वे दिस वन. चाबी तो निकाल लूँ, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए. सो भाई ये रूम है, ये कबर्ड है, टीवी शीवी लगा हुआ है, वॉशरूम ए सी सब है. और पहले तो रखते हैं अपना बैग, और फिर जो है ना बस नजरे में तो यही मिलेगा भाई. ये मिल गया, ये भी गनीमत वाली कहानी होती है ना वो है. ओह क्या रूम यार, क्या देखेंगे इधर, अगर तो ऊपर वाला देखेंगे वॉशरूम भाई. बस ठीक है, बंद करते हैं इसको. वाटर हीटर ऑन कर दिया इसने, वॉशरूम की लाइट बंद हो गई. ठीक है, यस यस यस, आई थिंक ही इज कमिंग. थैंक यू. बैग भी आ गया भाई, दिस गाइस ओके. सो बैग भी आ गया, अपना बैग की सेटिंग बनाते हैं अभी. और ये की आ गई है, हम तो बस अब फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद ही कुछ करेंगे. फॉर द मोर जो आज का व्लॉग था वो भाई इधर ही तक है बस, और बैठ के मारते हैं तुमसे बात. आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक की है, और फर्दर मोर जो स्टोरीज़ हैं वो पापा में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे नहीं देखेंगे क्या करेंगे वट एवर, कुछ नहीं बता भी अभी, कुछ नहीं बता भी, बस चल रहा है जो भी चल रहा है. और जो है वो कीप वॉचिंग स्टे ट्यून्ड विद मी. थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.